गौर से देखो। अच्छा। ये मैं हूँ और इन सभी में से ये आप हो। तो सोचो, आप सबसे पहले गए YouTube पे एंड वहाँ पे सर्च किया टेंसर आर्ट ट्यूटोरियल या टेंसर आर्ट AI कैसे यूज करें, एंड उसके बाद आपके पास बहुत सारे रिजल्ट मिल गए। उसमें से आपने इस थंबनेल को क्लिक करके आप इस वीडियो पर पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इतना मेहनत करके इसी वीडियो को सेलेक्ट किया है तो मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने का तो प्रॉमिस ज़रूर करूँगा। तो चलिए टेंसर आर्ट को A to Z सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है क्रोम में, एंड यहाँ पर आने के बाद सिंपली सर्च करना है टेंसर आर्ट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगा, इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इस AI टूल के ऊपर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर कोने में साइन इन का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका ईमेल ID दिख जाएगा, सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, अब सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पर इस AI टूल का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग एनिमी, पोर्ट्रेट और रियलिस्टिक इमेज को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, एंड इस AI टूल का इस्तेमाल करके आप लोग बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रियलिस्टिक है, और जो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर रियलिस्टिक में जा करके कुछ मॉडल्स दिख लेने हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ रियलिस्टिक मॉडल्स एकदम बिल्कुल ह्यूमन लाइक लगेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा, जिसमें आप लोगों को अपने इमेज रिलेटेड प्रॉम्प्ट डालना है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट बॉक्स भी दिख जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जहाँ पर आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मॉडल सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे AI मॉडल्स आ जाएंगे। जिस प्रकार का आप लोग इमेज जनरेट करना चाहते हो उस प्रकार का मॉडल सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो न्यू डाउन एक्सेल, ये बहुत ही रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे एस्पेक्ट रेशियो, आप लोग किस प्रकार का इमेज जनरेट करना चाहते हो, पोर्ट्रेट जनरेट करना चाहते हो, लैंडस्केप, स्क्वायर, कस्टम, यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लेना, आप जिस प्रकार का इमेज जनरेट करवाना चाहते हो करवा सकते हो। हम यहाँ पर सिंपली इसे पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर देते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आप अपने इमेज के हिसाब से इसे छेड़ सकते हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ आप लोग यहाँ पर कैसे इमेज जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालना होगा, मैं जो डाल रहा हूँ आप लोग भी वही डाल सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से डाल लेना। एंड दोस्तों, नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आपको लिख देना है अगली फेस नो रिक्वायर, मतलब यहाँ पर ये लिखेंगे तो आप लोगों के सामने फेस जो होता है वो अच्छा आएगा, मतलब रियलिस्टिक आएगा। नहीं, अगर आप लोग नेगेटिव प्रॉम्प्ट देते हैं तो कभी कभी आपको इमेज थोड़ा भद्दे टाइप का मिल सकता है। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग इस AI टूल का इस्तेमाल करके दिन में लगभग 100 से 150 इमेज जनरेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा होगा कि 100 क्रेडिट डेली देता है ये AI टूल, अभी 100 क्रेडिट डेली देता है इमेज जनरेट करने के लिए, और एक इमेज जनरेट करने के लिए 0.08 क्रेडिट खत्म होता है। तो यहाँ पर लगभग आप लोग 100 से 150 इमेज आराम से जनरेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा वेटिंग, एंड उसके बाद जनरेट हुआ होता हुआ दिखेगा परसेंटेज में। तो देखते हैं कितना देर में जनरेट होता है। तो गजब, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इमेज काफ़ी खतरनाक तरीके से बन के रेडी हो चुका है।
गजब। तो आप लोग भी इस प्रकार का इमेज बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। एंड दोस्तों, अगर हम यही इमेज को लैंडस्केप में जनरेट करें तो कैसा दिखेगा या फिर क्या जनरेट करके देता है AI टूल, इसे भी ट्राई करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर इस वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर से जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गजब, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इमेज बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पर एक दूसरे मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, एनिमी टाइप का इमेज बनाते हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक नया मॉडल सिलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करके एनिमी में आ जाना है। एनिमी में आने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारे एनिमी मॉडल दिख जाएंगे, आपको अपने हिसाब से कोई सा भी एक एनिमी मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे ये एनिमी मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर दूँगा। एंड फिर से जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड हम इसी इमेज को एक पोर्ट्रेट में भी जनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पोर्ट्रेट साइज को सिलेक्ट करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरा इमेज भी जनरेट हो रहा है। देखते हैं कौन सा रिजल्ट बेस्ट होता है। पहला इमेज तो बन के रेडी हो चुका है, गजब खतरनाक। अगर आप लोग इन सभी इमेज में से किसी भी इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का आइकन दिख जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। या फिर आपको यहीं पर कर्सर ले जाना है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का आइकन दिख जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि AI का यूज करके हम एक सॉन्ग चैनल चलाएं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।